अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप लोग सब मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेल, आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। एक्चुअली बहुत रैंडम प्लान था, बहुत रैंडमली शुरू हुआ था, लेकिन आज मैंने बड़े मज़े की चीज़ें बनाई थी। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और आप जाएँ देखें कि आज सारा दिन मैंने क्या किया और मैंने आज क्या बनाया, और उसके बाद वापस आते हैं फिर कुछ बातें करते हैं। सब बर्तन भी वॉश हो गए हैं और अभी मैं बनाने जाऊंगी व्हाट आई एम गोना मेक। या आई एम गोना मेक बिहारी रोटी टुडे। मीठा जो है ट्राइफल जो था वो मैंने उसको असेंबल करके, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मैंने रख दिया है। और इसके अलावा भी मैं जहरान को पहले खाना खिलाऊंगी और उसके बाद जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है उसको बनाऊँगी। सरहान के आने में अभी थोड़ा सा टाइम है। सो या व्हाट आर यू डूइंग हियर बेटा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सहरान आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं मेरी जान? What are you doing? क्या कर रहे हैं मेरा बेटा? You want food? You want food? सहरान बाबा किधर हैं? Where is बाबा? की खिचड़ी मैं यहाँ पे करी हूँ गरम, और इसके बाद मैं उसको खिलाऊंगी और उसके बाद आई थिंक जब तक फरहान भी आ जाएंगे तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। देन वी आर गोना मेक, क्या बता रही हूँ आज मैं बाल, पता नहीं बार बार भूले जा रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया आजकल, मुझे बहुत भूलती हूँ मैं। एनी मेक, तो उसके बाद मैं बनाऊँगी बिहारी कबाब। यस, नॉट लाइक बिहारी कबाब, बिहारी बोटी। आई कीप ऑन फॉरगेटिंग थिंग्स। एनीवे होता है, चलेंगे अब आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। Who's that? Assalamualaikum. Who's that? Kaisu Zaran. Who is that? Oh my Kesu God. Who is that? Zaran. Baba. कैसे हो? हाँ जी, तो ये है मीट जो मैंने इसको जिसको मैंने मैरिनेट करके रखा था। इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून जो है ये हाफ के जी से थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, इसमें 3 टेबलस्पून भर भर के डाले थे शान का जो बिहारी मसाला है उसके। मीट टेंडराइजर डाला था 1 टेबलस्पून, थोड़े से मैंने प्याज फ्राई करके क्रश करके ऐड किए थे, और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया था और दही ऐड किया था। हाफ कप ऑफ योगर्ट होगा आई गेस, तो वो मैंने मैरिनेट करके एटलीस्ट इसे आई थिंक मैंने 3-4 घंटे रखा है। और अब इसको मैं प्रेशर कुकर में कुक कर लूँगी क्योंकि मुझे वो ज़्यादा इजी लगता है। आई डोंट नो व्हाट अदर्स, हो सकता है आप लोग उस तरह कर सकते हैं कि उसमें टाइम लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट। प्रेशर कुकर में मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लिया, अब मैं इसके अंदर ये ऐड करूँगी एज सिंपल एज दैट। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा कुक करके इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छे से प्रेशर कुकर में कुक कर लूँगी। और इसमें मैंने मीट ऐड कर दिया और इसको मैं प्रेशर कुक कर लूँगी फॉर गुड 8-10 मिनट्स।
क्योंकि मुझे ज़रा अच्छे से पका हुआ चाहिए। फ्राई सा करना है, उसके बाद हल्का सा लाइक सौते सा करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और आज की मेरी जो वीडियो मेरे हस्बैंड शूट कर रहे हैं क्योंकि हमारा ट्राइपॉड टूट गया और जहरान साहब ने उसके काफ़ी सारे पीसेस कर दिए हैं, इस वजह से मेरे हस्बैंड जो है ना वो आज मेरे कैमरा मैन बने हुए हैं। क्योंकि ये चीज़ ऐसी थी इसमें मैं एक हाथ से पकड़ के शूट कर नहीं सकती थी, बस इसको हल्का सा बस यू नो थोड़ा सा इसको सौते सा करना है, इसको बिल्कुल ही अपने इस स्टेज पे इतना फ्राई नहीं करना। और इसमें मैं थोड़ा सा करने लगी हूँ पानी ऐड, दही ऑलरेडी है तो बहुत ज़्यादा भी पानी ऐड मत कीजिएगा, ठीक है। दिस इज़ आई थिंक हाफ अ कप, ऑलमोस्ट डन ओवर हेयर। मैंने इसको अच्छे से डिस्क बनाने के बाद इस पैन में शिफ्ट कर दिया था और इसी के अंदर हमें वेजिटेबल जो है वो भी सौते कर सकती है और ये बहुत ही मजे की बन गई है। ग्रीन चिली वाला कुछ नहीं है, पहले मैं टेस्ट करता हूँ आपको बताऊँ।
बहुत ही बेहतरीन, बहुत जबरदस्त। अच्छा ये कैमरा थोड़ा सा डार्क आ रही है, वैसे इतनी डार्क है नहीं है, फिल्टर लगा हुआ है क्या है, लेकिन टेस्ट अच्छा, बहुत जबरदस्त, तमाम चीजें बिल्कुल बैलेंस है, बहुत अच्छी बनी है, थैंक यू। अच्छा वो सैलेड पर है ना जहरान, आपको खाना है, आपको खाना है। अच्छा चलो जब मैं भी जरा अपना डिनर एंजॉय कर लूँ, उसके बाद हम खाएंगे, क्या खाएंगे फरहान, उसके बाद आपका फेवरेट बनाया उसके बाद मेरा फेवरेट है ट्राइफल, वो हम खाएंगे इंशाल्लाह। हाँ मैंने मैंगो ट्राइफल बनाया, मैंगो कस्टर्ड ट्राइफल, व्हाटएवर यू कॉल इट। तो चलो पहले डिनर कर लेते हैं, उसके बाद हम मीठा करेंगे, मुँह मीठा करेंगे। अच्छा जी तो प्लान ये बना है कि हम लोग अभी अपने मदर इन लॉ की तरफ जाके खाएंगे मीठा। एज यू कैन सी दिस, तो हम लोग आ गए हैं वापस। प्लान ये था कि मैं ज़रा बैठ जाती हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं। हुआ ये था कि प्लान हमारा था यू नो घर पे ही खाने का, लेकिन एक्चुअली वी थॉट कि मेरे जो इन लॉज हैं, मेरे जो मदर इन लॉ है, वो लोग सो चुके होंगे, बिकॉज इट वॉज ऑलमोस्ट 9:30 एट दैट टाइम। तो हमें लगा कि वो लोग सो गए होंगे, लेकिन उनको फ़ोन किया तो वो लोग जाग रहे थे, तो हमने कहा कि चलें सबके साथ शेयर करके खा लेते हैं। तो फिर वहाँ पे मैं ट्राइफल लेके गई थी, और वहाँ पे हमने थोड़ी देर बैठ के बातें बातें की, बच्चे थोड़ी देर खेले। आज वैसे भी मेरा वहाँ जाना हो नहीं पाया था, यू नो क्योंकि आज फरहान घर पे नहीं थे, उनकी जॉब पे गए हुए थे, वो ऑन एंड ऑफ अभी जा रहे हैं, डेली नहीं जा रहे, लेकिन यू नो इस तरह से था आज का रूटीन। सो दिस वॉज द व्लॉग, मैं कुछ वहाँ पर ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, एक्चुअली मैंने वहाँ पर कुछ भी शूट नहीं किया, बिकॉज यू नो आई जस्ट डोंट फील कम्फर्टेबल शूटिंग इन बिटवीन दैम। आई थॉट कि उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा शायद, तो इस वजह से, और या दिस वॉज इट। आज का दिन एक्चुअली जो सारा प्लान था, इट वॉज रैंडम, मुझे लगा कि काफ़ी दिनों का वही दाल सब्ज़ी खा रहे हैं। एक्चुअली दाल सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैंने सोचा वाई नॉट के यू नो आज कुछ ट्राई किया जाए। यू नो कभी कभी घर में भी स्पेशल खाना खाना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बाहर जाएं और वहीं से खाएं। इनफैक्ट मुझे लगता है घर में ज़्यादा अच्छा बनता है। सो दिस वॉज माई व्लॉग फॉर टुडे। पिछले कुछ दिनों मैंने अपनी वीडियोज़ कम डाली हैं, उसका रीज़न ये था कि आई वॉज अ बिट बिज़ी विद अ फ्यू थिंग्स, और इसके अलावा कुछ बारिशें हुई थी पिछले दिनों, इसकी वजह से भी। खैर सो या दैट वाज द रीज़न, ख़ास अपडेट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ फाइन, जहरान इज़ फाइन, सब बहुत अच्छा है, और मुझे मेरी उम्मीद है कि आप लोग भी सब अच्छे होंगे। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा, रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ बताइएगा। एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग रेसिपीज ए टू जी मैं शूट नहीं कर पाती जहरान के साथ, बिकॉज यू नो वो थोड़ा तंग करता है, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो ये होता है। अदरवाइज़ मैं जितना हो सकता है बताती हूँ। कोई आपका सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके अलावा कुछ सवाल हो वैसे पूछ सकते हैं मुझे, आप DM भी कर सकते हैं इंस्टा पे। और यस, मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिसीव हो रहे थे कि आप कहाँ गायब हो गई हैं। एक्चुअली मैं गायब नहीं हुई थी, आई वॉज जस्ट बिज़ी विद समथिंग, तो इत्तेफाक था कि मैंने कोई वीडियो डाली पिछले एक हफ्ते में। एनीवे सो दिस वॉज माई टुडेज़ व्लॉग, इंशाल्लाह मैं आगे और इस तरह के व्लॉग्स लाती रहूँगी। आपको क्या देखना है आप लोग मुझे बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, दुआ में याद रखिएगा, और आपके आसपास के जो लोग हैं उनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ इट, आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।